पॉजिटिव चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 10 के नोट्स देखने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे आईपी वर्जन 6 के बारे में और इसी तरह इसकी फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे विद प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईपी वर्जन 6 क्या है। तो गाइज, आईपी वर्जन 6 जो है, आल्सो कॉल्ड आईपीएनजी, मतलब यह है कि आईपी नेक्स्ट जनरेशन इज द नेक्स्ट प्लेन्ड वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसका जो है उसकी एक आईपी जो है वो जनरेट हो जाती है। मतलब ये है कि इंटरनेट पे आपकी पहचान हो जाती है, तो इसको आईपी जो है वो कहते हैं। आईपी वर्जन हम यूज़ करते हैं इसके लिए, पहले 4 करते थे, अभी जो है वो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया है जिसको आईपी वर्जन 6 कहते हैं। तो आईपी वर्जन 4 पे जो है मिनिमम डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते थे, मगर आईपी वर्जन 6 पे जितने डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं कि आईपी वर्जन 5, जैसा कि मैंने बताया था कि वो एक्सपेरिमेंटल वर्जन था और वो यूज़ किया गया था स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा के लिए। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आईपी वर्जन 6 जो है वो यूजेस 128 बिट एड्रेसेस यूज़ करते हैं, जिस तरह आईपी वर्जन 4 में जो है 32 बिट एड्रेसेस जो है वो यूज़ किए जाते थे, विच इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पॉसिबल एड्रेसेस बाय एक्सपोनेंशियल जो है अमाउंट। तो यहाँ पे 128 बिट एड्रेस यूज़ की जा रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो अनलिमिटेड है, ये डिवाइसेस जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकते जितने भी डिवाइसेस बन जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल आईपी वर्जन 4 अलाउ, यहाँ पे जो फिगर दिया है वो बहुत ही बड़ा है, एड्रेसेस टू बी यूज्ड, ठीक है, मतलब अगर 2 को हम पावर करें 32 से तो इतने डिवाइसेस हमारे पास बन जाते हैं। तो ये डिवाइसेस मतलब ना ख़त्म होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जितने भी हमारे पास डिवाइसेस जो है वो बन जाए फिर भी इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अगर फिर भी ख़त्म हुए तो कोई और जो है वो एड्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। मगर आईपी वर्जन 6 जो है अलाउस फॉर ऑल, इतने सारे डिवाइसेस जो है अगर आपके पास हो तो तभी जो है आप इसको ख़त्म कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो देट शुड बी इनफ फॉर टू द लास्ट वाइल, ठीक है। तो ये ना ख़त्म होने वाले है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फिगर है। अब यहां पे पढ़ते हैं कि बिकॉज आईपी वर्जन 6 अलाउ फॉर सब्सटेंशियल मोर आईपी एड्रेसेस देन आईपी वर्जन 4, द एड्रेसेस देमसेल्फ आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दे आर टिपिकली रिटेन इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे फॉर्मेट होती हैं, अब फॉर्मेट में क्या है, इस तरह फॉर्मेट मतलब इसमें 8 कोर्स आपके पास मौजूद होते हैं जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आईपी वर्जन 6 के जो कोर है तो वो किस फॉर्मेट में लेके जाते हैं, तो ईच HHH मतलब जो सेक्शन है कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर आप जानते होंगे, जिसमें 0 to 9 और A to F जो हैं डिजिट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इसको हम आईपी वर्जन 6 जो है वो बेसिकली कहते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, चलो एक एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल हम देखते थे हैं। एन एग्जांपल ऑफ आईपी वर्जन 6 एड्रेस में लुक लाइक, तो यहाँ पे किस तरह ये दिखाया जाएगा, तो ये इस तरह ये इसका फॉर्मेट होगा, मतलब ये है कि F704, तो यहाँ पे F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो इसी तरह इसका फॉर्मेट जो है वो बनेगा। वाइल मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम टुडे सपोर्ट आईपी वर्जन 6, द न्यू इंटरनेट प्रोटोकॉल हैज़ येट टू बी फुली इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन प्रोसेस। कंप्यूटर आर ऑफन असाइंड बोथ आईपी वर्जन 4 एंड 6। अब यहाँ पे अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल पे क्या होगा, मोबाइल पे आपके पास आईपी वर्जन 4 भी मौजूद होगा और आईपी वर्जन 6 भी आपके पास मौजूद होगा, विच शुड हेल्प मूव द ट्रांजिशन लॉन्ग। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपके पास आईपी वर्जन 6 भी है और 4 भी है तो यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब हेल्प मिल सकती है ट्रांजिशन अलॉन्ग के साथ, ठीक है। तो अब गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।